रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में अपने माँ बाप के साये में रखे, आमीन। आज की रेसिपी मैं दे रही हूँ, आज मैं पालक पनीर और चिकन की, जो एक ही रेसिपी से मैं दो चीज़ें बनाऊँगी। तो आए हम इसमें क्या क्या मसाले डालेंगे और स्टार्ट करते हैं। ये एक किलो पालक है जो मैंने साफ करके धो के और काट के रख दिया है। और इसमें मसाले ये डलेंगे, एक प्याज है ये बड़ी, एक शिमला मिर्ची है और एक टमाटर है। 10-12 काजू डलेगा, लहसुन है 4-5 और 4 टुकड़े अदरक के हैं, और ये 10-12 मिर्चें हैं हरी। मैं मिर्चें इसमें हरी ज़्यादा डालूँगी। अच्छा, इसमें दूध डलेगा, थोड़ा सा दूध डालूँगी और ब्रूबैंड मक्खन डालूँगी। चिकन डलेगा इसमें 1/2 किलो, ये अलग एक रेसिपी होगी, अलग तरीके से बताऊँगी। और ये पनीर है, इसमें गरम मसाले डलेंगे, ये जो हम पीस लेंगे। ज़ीरा थोड़ा सा है, एक टुकड़ा दालचीनी का है, छोटा सा जायफल है, 4 लौंग है और 4 सब्ज़ इलायची। ये हम सब बारीक पीस लेंगे, पाउडर बनाएंगे। और इसमें हम बघार, ये लाल मिर्चे और लहसुन का ये बघार देंगे। लहसुन हम कूट लेंगे इसे, इसका हम बघार देंगे। तो अब हम पालक को बॉईल करने रखते हैं। ये एक बड़ा चम्मच हम सालन का घी डालेंगे, क्योंकि हम पालक पनीर घी में पकाएंगे। अब मैं पहले इसमें थोड़ी प्याज तल दूंगी। और हरी मिर्ची, अदरक लहसुन, ये सब हम फ्राई करके डालेंगे। शिमला मिर्ची, काजू, ये भी हम इसमें डाल देंगे। इसे हम अच्छे से फ्राई कर देंगे और फिर इसका हम पेस्ट बना देंगे। अब मैं पालक डाल दूंगी। पालक हमें बिल्कुल ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा हमें सॉफ्ट करना है इसे, और इसे ऐसी हरी हरी सी निकाल देनी है। मैंने पानी गर्म कर लिया था, थोड़ी देर में हम इसे निकाल देंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। देखिए, पालक सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसे छन्नी में छान दूंगी और ठंडे पानी में डाल दूंगी। अब इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर ज़रा से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम ये ठंडा करके पीस लेंगे। देखिए, मसाला पक चुका है, मैंने इसको फ्राई कर लिया है। देखिए, अच्छे से टमाटर भी सॉफ्ट हो गए। अब मैं इसे पीस लूँगी मिक्सचर में। तो ये हम ज़रा सा ठंडा करने रख देंगे, जब तक हम पनीर फ्राई करेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच खाने का भर के मक्खन डालेंगे। पनीर तल लेंगे हम इसमें मक्खन के अंदर। हल्के से हम इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए, ये फ्राई हो गया है। अब मैं इसे निकाल के, अब मैं चिकन बनाऊंगी। चिकन में भी मैं नमक ही मक्खन डालूंगी 2 चम्मच। और इसमें हम 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन पिसा हुआ डालेंगे। अच्छे से इसे लहसुन को, अदरक लहसुन को हम फ्राई करके
इसमें बस हल्का सा ही हम मसाले डालेंगे, इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। यह आधा किलो चिकन है, मैंने क्यूब्स के तरह काट दिया है इसे। इसमें मैं सिर्फ एक चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें डालूंगी रेड। और एक चाय का चम्मच मैं नमक डालूंगी। हम इसे पकने के लिए रख देंगे। और एक हम इसमें बाद में लेमन जूस डाल देंगे, एक लेमन का रस डाल देंगे। देखिए मैंने सारे मसाले मिक्सर में डाल दिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसे पीस लूँगी, इसका पेस्ट बना दूँगी बिल्कुल। अब मैं पालक पीस लूँगी, मैंने मसाला पीस लिया है और इसमें भी मैं थोड़ा सा दूध डालूँगी और हम इसे पीस लेंगे, इसका गाढ़ा सा एक पेस्ट बना देंगे। इसमें मैंने एक चम्मच घी डाल दिया है खाने का। अब मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। अच्छे से हम मसाले को भून लेंगे और इसमें हम पालक डाल देंगे। वैसे तो ये पका हुआ ही है, अब मैं इसमें पालक डाल दूंगी। हम इसे मिक्स करेंगे। देखिए कलर कितना अच्छा सा आया है, वैसे इसका कलर बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे और ये जो मसाले हमने पीसे थे वो डालेंगे हम इसमें। मसाला और नमक मैंने डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छे से पका के फिर मैं इसमें पनीर डाल दूंगी और आधे में मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। फिर हम एंड में इसे बघार देंगे। अच्छे से हम इसे पका लेंगे, गाढ़ा कर लेंगे। जब ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा फिर हम इसमें पनीर और चिकन अलग अलग करके डालेंगे। देखिए ये साग पक चुका है, पालक की सब्जी पक चुकी है। अब मैं इसे इसमें पनीर डाल दूंगी। इसमें मैं ये पनीर डाल दूंगी। देखिए चिकन तैयार हो चुका है। अब हम इसमें लेमन जूस डालेंगे। लेमन का रस डालेंगे और थोड़ा सा हम इसे और पका के हम इसे पालक में डाल देंगे। चिकन में पालक में डाल रही हूँ, आधी में पालक में डाल दूंगी, आधी में ऊपर रख दूंगी। जो पनीर नहीं खाते हैं तो वो इस तरह से चिकन डाल के भी खा सकते हैं। मेरे बच्चों को चिकन पसंद है, इस वजह से मैंने चिकन डाला है। अब बघार बनाएंगे। घी अच्छा डालेंगे हम, क्योंकि पालक पनीर में घी अच्छा होना चाहिए। घी डाल दे या आप लोग मक्खन डाल दे, आप लोगों की अपनी मर्जी है। घी गरम हो चुका है, अब हम इसमें बघार बनाएंगे।
और ये बघार हम दोनों को देंगे। इसलिए मैंने ज़्यादा बनाया है क्योंकि मैंने दो डिश बनाई है, तो इस वजह से बघार भी ज़्यादा बनाया। आप लोग चाहें तो थोड़ा सा बनाएंगे तो आप लोग थोड़ी सी लहसुन चॉप करके या कूट के ऐसे बघार बना दें। देखिए इस तरह से ये लहसुन ब्राउन हो गई है, अब हम इसे बघार दे देंगे। दोनों रेसिपी तैयार हो चुकी है। मैंने एक तरह का ही पालक पनीर का बनाया था और मैंने एक में पनीर डाल दिया है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है और ग्रीन ग्रीन सा ही बना है, ना इसका कलर ख़राब हुआ है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा ही बना है। तो इस तरह से पालक पनीर तो ये इस तरह से तैयार होता है। और अगर आप लोग पालक पनीर में चिकन डालना चाहते हैं तो इस तरह से आप लोग चिकन भी डाल सकते हैं। हमने रेसिपी तो एक ही तरह से तैयार की थी, सिर्फ इसमें हमने चिकन तल के डाल दिए क्योंकि मेरे बच्चे चिकन खाते हैं, तो इस वजह से मैंने चिकन डाल दिया है। तो ये मैंने आप लोगों को एक ही तरह से दो रेसिपियाँ दी है, तो आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं। अगर किसी को पनीर नहीं पसंद है तो वो इस तरह से चिकन भी डाल के खा सकते हैं। तो ये आज की मेरी रेसिपी पालक पनीर की कैसी लगी तो आप लोग कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।